होस्ट शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइम नॉलेज चैनल। वैक्सीनेटर और सहायक भाइयों को सतर्क करने के लिए आया हूं कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। किसी भी समय आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं और आपको जो है भारी अधिक मात्रा में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जो मेरा भाई वैक्सीनेटर और सहायक मेरी वीडियो को देख रहा है, इस समय पूरी वीडियो ध्यान से देखना किस तरह लोग आपके साथ ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक लिखित स्टेटमेंट जारी किया है जिसे मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। बंधु पशु वैक्सीनेटर सहायक फाउंडेशन आप सभी पद अधिकारियों को सदस्यता लेने के लिए कुछ ना कुछ पेड करना पड़ेगा, जिसकी राशि है पद अधिकारी की फीस 1000 रुपये और सदस्य फीस 500 रुपये। ये किसकी तरफ से जारी हुआ है? बंधु पशु वैक्सीनेटर सहायक फाउंडेशन, जिसके संस्थापक हैं अमन शर्मा। तो अमन शर्मा ने ये व्हाट्सएप ग्रुप में और लोगों को ये मैसेज भेज रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, ताकि लोग जुड़े और लालच में जुड़े और 1000 रुपये और 500 रुपये की फीस उनको दें, जिससे वो मोटा मुनाफा कमाएं। वैक्सीनेटर और सहायक भाई जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिली, जो पहले से ही काफ़ी परेशान है, उनकी जेब से पैसा निकाल करके और वो गायब हो जाएं। अब मैं आपको बताता हूँ ये 1000 और 500 रुपए की फीस से कितने पैसे इकट्ठे होंगे, ठीक है, जिसका फायदा लाखों करोड़ों। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे हैं 86,000 वैक्सीनेटर उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, जिसमें से 50% लोगों ने सदस्यता ली। 50% यानी कि 500 रुपए के हिसाब से ये बैठे आपके 86,000 वैक्सीनेटर हैं। अगर 86,000 वैक्सीनेटर ने इस फाउंडेशन की सदस्यता ली 500 रुपए से, तो इसका जो कलेक्शन होगा 4,30,00,000, 4,30,00,000 रुपए आप उसके अकाउंट में डाल देंगे। अगर आपने 500 रुपए से सदस्यता ली, 4,30,00,000 का आदमी आप उसको बना देंगे। और अगर आप पद अधिकारी लेते हैं, आप पद लेते हैं, तो उसमें कितना पैसा इकट्ठा होगा मैं बताता हूं आपको। तो उसमें होगा 8,60,00,000 रुपए, यानी कि 8,60,00,000 रुपए आप उस शख्स के अकाउंट में पहुंचा देंगे, जबकि आपके पास एक भी रुपया आपको सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा है, आपका वेतन नहीं मिल पा रहा है, आपका मानदेय बहुत न्यूनतम है, आपकी फैमिली की परेशानी, दूसरी जगह आपको काम करने की परेशानी। अगर FMD का वैक्सीनेशन आ जाता है तो दूसरा काम छोड़ करके वैक्सीनेशन में आकर के वैक्सीनेशन में काम करने की परेशानी, बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरने के बाद आप 2 से 3 रुपए ले पाते हैं, वहीं कुछ लोग आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है भाई लोगों, आपसे मैं अनुरोध करता हूं, किसी को भी 1 रुपया मत देना, किसी को भी 1 रुपया मत देना। ना सदस्यता लेने की जरूरत है पैसों में, ना पद अधिकारी बनने की जरूरत है पैसों में, ठीक है। ये सारे लोग ऐसे होते हैं कि परेशान लोगों से की जेब से पैसा खींच करके गायब हो जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे यूट्यूबर जब तक यहाँ रहेंगे, वैक्सीनेटर और सहायक भाई का किसी का 1 रुपये का नुकसान नहीं होने दूंगा, चाहे लोग मुझे पसंद करें या नहीं करें, चाहे मेरी वीडियो में लोग बोलें, कमेंट करके मुझे गलत बोलें या अच्छा बोलें। जहां तक अभी तक जितने भी वैक्सीनेटर और सहायक भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हर शख्स ने मुझे सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। अभी तक कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मेरा विरोध किया हो, लेकिन मैं आप सबका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी के, अगर मैं खुद भी बोलूँ कि मुझे 100 रुपये दो भविष्य में, तो मुझे भी 1 रुपया मत देना। ऐसे पैसे देने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे कनेक्शन पूरे इंडिया के अंदर हैं, पूरे भारत में हर स्टेट के वैक्सीनेटर से और फाउंडेशन के, वहां जो फाउंडेशन चल रहे हैं उन लोगों के जो फाउंडर हैं उनसे भी। अगर आप लोगों को बात करना है, मैं आप लोगों की बात करा सकता हूँ राजस्थान से, बिहार से। बिहार के वैक्सीनेटर का जो लीडर है, जो उनको लीड कर रहा है, उनकी टीम को जो लीड कर रहा है, उससे आपकी बात करा सकता हूँ। बिहार के जितने वैक्सीनेटर हैं उनसे भी, अधिकतर लोगों से मेरी बातचीत है, लगातार अपडेट पे रहता हूँ, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो ये जो पैसे देने वाला जो सिस्टम है, ये कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी बात आती है कि आपको कोर्ट में केस करना है या कहीं पे धरना देना है, धरने देने के अंदर अगर कुछ खर्चा होता है,
कुछ सामग्री लेना है, पोस्टर बनवाना है, परमिशन लेना है, कहीं ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, तो उसके लिए लोग आपस में वो इकट्ठा कर लेते हैं, दो दो चार चार पांच पांच दस दस रुपए दे करके, वो भी लगभग 25 लोगों की टीम बना करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और 25 लोगों की निगरानी में वो पैसा निकलता है और अपने काम को अंजाम दे देते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है, फिर से बता देता हूं, पूरे इंडिया के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं है कि 500 रुपए और 1000 रुपए लेने ले करके आपसे और आपका जो है फाउंडेशन बनाकर बिजनेस किया जाए, कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये पैसा खाने कमाने की जो है तरकीब है, निकालिए। हम इतने जमाने से वैक्सीनेटर और सहायक लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हमने आज तक ना कभी किसी को सपोर्ट किया कि आप उसको पैसा दो, ना ही हमने अपने लिए कभी कहा आप लोगों से कि हमें 2 रुपए या 5 रुपए दो और हम आपका काम आगे बढ़ाएंगे। जबकि यूट्यूबर की जो वीडियो होती है वो अधिकतर स्पॉन्सर्ड वीडियो होती है, अगर हम अपनी वीडियो के अंदर किसी चीज का एड करते हैं तो उसके हमें पैसे मिलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वीडियो में मैंने कई सारी एप्स के ऐड करे हैं, तो उन सारी एप्स से मुझे पे होता है, मतलब पेड प्रमोशन होता है, वो सारे लोग मुझे पैसे देते हैं, तब मैं अपनी वीडियो के अंदर 25-30 सेकंड का उनका उनकी ऐप का जो है एडवर्टाइजमेंट कर देता हूं। लेकिन मैंने कभी भी जब से इस टॉपिक पर आया हूं वैक्सीनेटर या सहायक से किसी से 1 रुपया कभी नहीं मांगा है, ना ही किसी को देने की अपील की है और ना ही उनसे ये कहा है कि आप इस ये खर्चा कर लो या वो कर लो, क्योंकि मैं जानता हूं जितने भी वैक्सीनेटर भाई हैं, सहायक भाई हैं, या पशु पैरावेट हो गए, पशु मित्र, कुछ भी कह लीजिए, अलग अलग स्टेट्स में वैक्सीनेटर का अलग अलग कई सारे नामों से जाना जाता है। तो मैं आप लोगों को बस ये बताने के लिए आया था कि किसी को पैसा मत देना, किसी को भी अगर कोई दिक्कत आए मुझसे कॉन्टेक्ट करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाओ मेरे, टेलीग्राम के ग्रुप पे आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ मैं ग्रुप का, उसमें ऐड हो जाओ, कोई दिक्कत है मुझसे डिस्कस करो। मैं ये नहीं बोलता कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, CM हूँ, आपके परेशानी को एक फ़ोन से हल कर दूंगा, लेकिन जो भी दिक्कत होगी उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। किसी अधिकारी से बात करना हो, किसी भी दूसरे राज्य के वैक्सीनेटर से आपका कॉन्टेक्ट कराना हो, किसी फाउंडर से मिलवाना हो, मैं ये सारे काम इजीली कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है, आप लोगों को कोई अगर पैसे की डिमांड करता है या रास्ते से भटकाता है, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपका भाई शारिफ खान हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, और जो मेरा भाई मेरी वीडियो देखता है वीडियो को लाइक कर दिया करो, उससे दिल बढ़ता है कि लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। और रेड कलर में जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है चैनल सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं अपनी कोई वीडियो भेजूं, वीडियो डालूं इस पर, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।